विश्व भर में सिख धर्म के नौवें गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसके चलते फरीदकोट में गुरुद्वारा भाई लद्दा सिंह में भी शहीदों के सरताज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व मनाया गया। इस मौके हजारों की संख्या में संगत गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुई। इस दौरान कथावाचक ने कथा और कीर्तन कर संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बसंत सिंह और संगत में इंद्रजीत सिंह खालसा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गुरुद्वारा भाई लद्दा सिंह में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी पर्व मनाया गया है। उन्होंने कहा कि हजारों की गिनती में संगत गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुई है। अरदास उपरांत संगत में गुरु का अटूट लंगर भी बांटा गया। इस मौके पर उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुई संगत का धन्यवाद व्यक्त किया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। गुरुद्वारा साहब भाई लद्दा सिंह जी जिसे हर साल तकरीबन 20-25 साल तो गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है। इस वन में असी परसों रोज तो संत सहयोग श्री अखंड पाठ साहब गुरुद्वारा साहब इन्हों के अच्छ भोग पाए गए हैं। तुरंत गुरु घर के कीर्तन और कीर्तन किया गया। उस तो बिना सात सविजेंद्र सिंह जी सूर कथावाचक श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी उन्होंने अपनी कथा द्वारा संतों में निहाल किया। उस तो उपरंत घर देव आती हूँ गुरु का घर मेरे तो चल रहा है। संगत मैं अज के हथियारे से सारी संगत को बधाई देना हाँ। गुरु अपने अपनी कमेटी वालों सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ। गुरुद्वारा साहब भाई लद्दा सिंह डोगर वासी फरीदकोट विखे शहीदा के सरताज साहब श्री गुरु तेग बहादुर हिंदी चादर का शहीदी गुरपर्व हर साल की तरह इस साल भी संतों के सहयोग न बहुत चूमता मनाया जा रहा, जिसके संबंध में अज तो 15 दिन पहले प्रभातियां कढ़िया गई। इस टाइम अज अखंड पाठ साहब के भोग पाए हैं। भोग तो उपरंत कीर्तन जत्थे कृष्ण जत्थे संतों ने गुरबाणी का ही निहाल किया है। उस तो उपरंत गुरु के लंगर सारी समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने।